पेट्रो काफी एक अच्छा प्लेयर है, इसका 7 नंबर था, आई थिंक 7 था ना इसका। क्रॉस खेलते हैं। ओह यू कांट कॉल मी अ नूब, दैट वाज फ्रिकिंग क्राइज़ी। गिव माय नेम। वेलकम टू माय चैनल बीआरएस डाइवर्जन एंड वेलकम टू द गेम जिसका नाम है फीफा 18। सॉरी मेन, इसका फुल बोलना चाहिए मुझे, ईए स्पोर्ट्स फीफा 18 डेमो। सो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ डेमो में। तो मैं बता दूं कि मैं इतना बड़ा फुटबॉल का फैन नहीं हूँ, फुटबॉल के फैन ना होने के साथ साथ मैं इतना बड़ा फुटबॉल का प्लेयर भी नहीं हूँ, ना मुझे इतना कुछ खास खेलना आता है। पर मैंने फिर भी ट्राई करने का सोचा, मैंने सोचा क्यों ना किया जाए यार, स्टोर में ये अवेलेबल है, एक्सबॉक्स स्टोर में ये फ्री में अवेलेबल है, तो मैंने सोचा क्यों ना डेमो खेला जाए। तो मैं यहाँ पर हूँ एंड अगर मैं अच्छे से नहीं खेल पाता हूँ, सो प्लीज़ डोंट क्रिटिसाइज एट द कमेंट सेक्शन या इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज़ माय मेन प्लीज़। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खेलन दृश्य। आज होने वाला है चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। जैसा कि आप देख सकते हैं चेल्सी को मैंने लिया, चेल्सी मेरी टीम है और मैनचेस्टर यूनाइटेड मेरी अपोजेंट वाली है। तो मैं आज जो खेलने जा रहा हूँ ये होने वाला है, गेम सेटिंग आप जाके देख सकते हो, इसको मैं खेलने वाला हूँ सेमी प्रो लेवल में माई फ्रेंड, सेमी प्रो में। तो मैं इतना प्रो नहीं हूँ और साथ ही साथ सेमी प्रो में खेले जा रहा हूँ, तो क्या बात है रे देवा। सो बिना किसी देरी के एक और बार शुरू करते हैं रे भाई, प्ले बेल दबाओ रे भाई। ओके हियर वी गो माय मैन। तो यहाँ पर एडवांस शूटिंग, व्हाट द हैक, मुझे स्किप करना है रे देवा, फिर ही मैं करूँगा, एक तो करना ही है रे देवा, एक तो करने में क्या फर्क पड़ता है। हियर वी गो, स्किप करते हैं रे भाई। एंड हियर वी गो, एस्टेरियो सैंटियागो बर्नाब्यू, मे बी मैंने से प्रोनाउंस किया हो, चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ये स्पोर्ट्स ने काफी, पहले बता दूं मैं, ये मैच कमेंट्री में मैंने सारे साउंड बंद कर रखे रे देवा। तो इसका कमेंटेटर कौन, कमेंटर कौन, मैं कमेंटेटर, मैं बॉस गम माय फ्रेंड। ओके सो मैं बता दूं कि मैंने एक चीज बताना था मुझे कि ईए स्पोर्ट्स है जिसने काफ़ी ज़बरदस्त काम किया फीफा में, देखा है मैंने, बहुत रियलिटी है ऑडियंस का है, जब भी आप गोल करते हो उसकी आवाज़ सनसना जाती है, ऐसा लगता है कि आप रियल ग्राउंड में हो और आपको लगता है कि मैं हीरो हूँ इस गेम का। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त ईए ने काम किया। और फीफा 19 निकला है कि नहीं मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने अभी तो देखा नहीं है। तो प्लेयर्स टू वॉच, एरन हज़ार्ड वर्सेस या रोमेलो लुकाको, एक फॉरवर्ड प्लेयर है और एक कौन सा मुझे नहीं पता। तो इस टीम में पेड्रो, तो मैं जितना जानता था पेड्रो बार्सिलोना का था जो कि अब यहाँ पर आ चुका है। अब इनके मुंह देख सकते हैं कितना रियल है रे देवा, इतना रियल कैसे हो सकता है रे भाई। ओके ये रहे हमारे चेल्सी के चले गए जो कि गोलकीपर थे, और ये हमारा पूरा स्क्वाड आने वाला है जिसके आप देख सकते हैं पूरा। तो मैं बता रहा था कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ यार, काश ये स्पोर्ट्स भी क्रिकेट में ध्यान देना शुरू कर दे। सोचो अगर आप क्रिकेट में ध्यान देना शुरू कर दे, कितना रियलिटी हो, कितनी रियल होगी, मज़ा आ जाएगा रे देवा, फुटबॉल की तरह रियल, बार्कलेस प्रीमियर लीग मतलब आईपीएल होगा, वहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त होगा, मज़ा आ जाएगा। पर जो भी है, तो अभी हम फोकस करने वाले फीफा, जिसको मैंने कभी, मैं इतना प्रो नहीं हूँ, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने खेला नहीं है, मैंने खेला है गेम सेंटरों में अपने दोस्तों के साथ, जाकि जहाँ मैं हमेशा ज़्यादातर हारता था क्योंकि मेरे दोस्त हमेशा मुझे हरा देते थे। सो हियर वी गो एंड लेट्स सी चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड है। मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं जब प्रोनाउंसिएशन क्या किया करता था पहले, जब मैं ज़्यादा जानता नहीं था, चेल्सिया चेल्सिया बोलता था मैं, पर इसका नाम है चेल्सी तो मैं गलत प्रोनाउंसिएशन करता था। ओके सो फीफा 18 बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका आप टेक्सचर देख सकते हो, ग्राफिक्स से लेके सब बोलो 10/10 है इसके। इनके आप टी शर्ट देख सकते हो, हिलते हैं इनके कपड़े, जैसे कि आप हवा लहरें जैसे हिलते हैं, रियलिटी में जैसे आपके कपड़े शेक होते हैं ना, वैसे यहाँ पर भी है। तो ये मुझे काफ़ी रियल लगा एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस गेम मेन, दिस इज फ्रिकिंग जन्नत, फ्रिकिंग ऑसम मेन, फ्रिकिंग ऑसम माय फ्रेंड। ओके तो यहाँ पर शुरू हो चुकी लाइव मैच। ओके अब देखते रहे देवा, बाप रे बाप, ये लोग काफ़ी ज़बरदस्त खेल रहे हैं, सेमी प्रो दोस्त, मतलब सेमी प्रो के बाद एक प्रोफेशनल लेवल आती है, प्रोफेशनल के बाद एक आती है लेजेंडरी, लेजेंडरी के बाद आती है एक आपकी क्या बोलते हैं वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड क्लास में सोच भी नहीं सकता मैं खेले के। ओके मैं लेट्स सी, देखते हैं हम क्या गोल कर पाते हैं। ओ माई फ्रेंड, ओ माई फ्रेंड, ओके ओके देखते, ओ शिट, ओ माय मेन, कितना नज़दीक था रे देवा,
Eden Hazard, my friend. Okay, that was close. आप देख सकते हैं. That was freaking crazy. Freaking close. Main manager भी अब गरम हो गया. क्या कभी नहीं खेलने ने देवा. Okay. Okay. No sound modulation. Only focus. Focus on game. Okay. तो हमने काफी जबरदस्त खेला. ऐसा नहीं कि हमने काफी बेकार खेला. ओके 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 जल्दी जल्दी मारने का रे देवा. ओके मेरे पास ही कम से कम. ओ माय फ्रेंड. ओ माय. ओह शिट दैट वाज टू हाई मैन. मैं मेरा भी यही रिएक्शन है. लिटरली बता रहा हूँ जो मोराटा का रिएक्शन था ना मेरा भी यही रिएक्शन है. व्हाट द शिट. मैं ओ मैन. और कितनी मस्त रेज मोड दिखाया गया मुझे अच्छा लगा. काफ़ी चांस था उसमें. काफ़ी अच्छा चांस बन सकता था बट मैंने बहुत ही बुरा खेला. तो मैं आज एक चीज़ भी स्किप नहीं करने वाला. एक एक चीज़ देखने वाला फीफा 18 की क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन है दोस्त. I'm gonna like this game. Wait, तो मुझे मज़ा आ रहा है गेम खेलने में अभी तक तो. ओके तो ये काफ़ी वैसे मैनचेस्टर एक बता दो काफ़ी ऑसम टीम है. भले आई थिंक रूनी और वैन पर्सी रिटायर ले रखे हैं शायद क्योंकि यहाँ पर तो नहीं है. मुझे नहीं पता उनके बारे में क्योंकि मैं इनके यहाँ से दो प्लेयर को जानता था वैन पर्सी और रूनी को. अब ऐसा मत बोला यार इस कमीने का तो यार रूनी भी नहीं पता रिटायर कब का हो गया. अरे दोस्त मैं फुटबॉल. ओ शिट मैं बोल रहा था मैं फुटबॉल इतना नहीं देखता हूँ. गोल कर दिया अरे देवा. ओके मैं आज कोशिश करूँगा कि ज़्यादा गोल से ना हारूँ. ओह ये सेलिब्रेशन मस्त लगा. दैट इज ब्रेकिंग क्राइसिस कूल नहीं. तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जो क्या बोलते हैं मैं क्या बोलने वाला था. मैं कुछ बोलने वाला था ना. हाँ मैं बोलने वाला था कि मैं आज हारूंगा कोशिश करूंगा जीतने की बट इतनी. ओके लेट्स सी मुझे स्किप करने की ज़रूरत है. पोग्बा यू डिड अ वेरी ग्रेट वर्क बट अब नहीं कर पाएगा. नॉट गोना वर्क दिस टाइम मेन. ओके लेट्स सी क्या कर सकता हूँ अरे देवा. ओके ओके एरन हज़ार्ड. ओह शिट ओह शिट तो हम कर सकते हैं यार. ओके हियर वी गो. बॉल किसके पास है मोराटा. मुझे नाम देखने के लिए नीचे जाना पड़ता है क्या बात है रे देवा. ओके 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 बाप रे बाप ये कौन है बोकाया का क्या नाम है रे देवा. ओह शिट मुझे पास पास बहुत खेलना पड़ रहा है. ये काफ़ी गंदा पास था. ओके क्योंकि मैंने पीछे की तरफ क्यों थे मुझे भी नहीं पता. ओह शिट बंदे यहाँ पर बहुत है रे देवा बहुत ज़्यादा अरे भाई. ओके ये पास काफ़ी ज़बरदस्त है. ओह शिट दैट वाज क्लोज मेन. ओके हम देखते हैं यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं हम. ओह मैन जल्दी जल्दी ले एयर वी गो. दैट इज़ फ्रिकिंग कूल मस्त दिया है इसमें मस्त दिया. आपके स्लाइडिंग टैकल्स काफ़ी रियल है यार काफ़ी. अरे यार देवा इतने फीफा 15 में भी नहीं थे क्योंकि मैंने 16 17 में भी इतने नहीं थे जितना इसमें. ओके मैंने 17 में खेला है दोस्त मैं बता दूँ. मैन ओह शिट दैट वाज फ्रिकिंग क्लोज. लिखा को क्या कर रहा है रे देवा. ओ मैन करम हो गया मैनचेस्टर. अरे कमी ने एक गोल लिया है तेरी टीम ने. ओह शिट ओके हम करते हैं रे बाय. ओके हियर वी गो. मुझे जल्दी से पास पास खेलना है और जितना. ओह शिट बॉल ली गई है. बॉल ले ली गई रे देवा मैं क्या करूँ. आई डोंट नो शिट. ओके ओह मैन अरे जल्दी आई कैन पास इट. नो आई कैन नॉट पास इट. दैट इज़ नॉट ग्रेट माई मैन. लुकाकू वन शॉट टारगेट में दे नहीं पाया यार. ये बहुत क्लोज था मैं बता रहा हूँ. उनके पास कॉर्नर है अभी. क्या बात है रे देवा. दे हैव कॉर्नर नाउ. दे हैव फ्रिकिंग कॉर्नर नाउ माई मैन. ओके स्ट्रगल जारी है. लेट्स सी मैं एकदम सीरियस नहीं उस गेम को खेलते हुए बस मेरे मजा आ रहा है देवा. ओके ओह शिट आओ मैन. ओके ये काफ़ी गंदा पास था इतना नज़दीकी पास. ओके मैं अरे यार बंदे काफ़ी सारे आ चुके हैं. क्या कर रहा है रे. मेरी फुटबॉल स्किल्स एकदम मास्टर क्लास है बता नहीं सकता मैं. इतनी मास्टर क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी जितनी मेरी है. ओके हाँ देखा कितनी मास्टर क्लास पास थी. इतने आसानी से उसने ले लिया रे देवा. ओके कमीना मैं तो गाली दे सकता हूँ बस प्लेयरों को. ओके मोराटा के पास अब आ चुकी बॉल और ये गया एक और पास. ओके हियर वी गो. तो अब आ चुकी पेड्रो के पास. पेड्रो काफ़ी एक अच्छा प्लेयर है. इसका 7 नंबर था आई थिंक 7 था ना इसका. क्रॉस खेलते हैं. ओह यू कांट कॉल मी अ नूब. दैट वाज ब्रेकिंग क्राइसिस या माय मैन. सो ये था मेरा क्रॉस का पास. सो मैं नूब हूं बट पता नहीं मैंने कैसे किया. ओके ऑब्वियसली
That was crazy. मजा आ गया रे देवा, इसे बोलते कॉमेडी लाफिंग. मेरी तो सांस भी सही से नहीं पा रहा हूँ मैं. तो यहाँ पर मैनेजर को मैंने गर्म कर दिया, जैसे कि मैंने बताया था मैं हारूंगा, बट इतनी बुरी तरह नहीं दोस्त. ओके, मोराटा का ये गोल काफी चुम्मेश्वरी, क्या चुम्मेश्वरी गोल था रे भाई. ओके, आ जाओ किन कमीनों को आना है. ओके, वन ऑन वन, सेम इक्वल कर दिया रे देवा. अब कौन आता है देखते हैं हम. तो मैंने इक्वल तो काफी आसानी से किया है. अरे क्या बात है, नॉट फ्रॉम मी, यू कैन रन फ्रॉम मी माय फ्रेंड. सेमी प्रो. ओके शिट, ये बॉल पास में नहीं आई, एक और क्रॉस हो सकता था यहाँ पर. तो मे बी मैं सोचूंगा अब गेम परचेस करने की, तो मैं अभी गोल कर पा रहा हूँ, तो मे बी मैं गेम भी परचेस कर रहा हूँ. ऑब्वियसली मैं फीफा 18 नहीं करूँगा, फीफा 19 करूँगा जब निकलेगी. ओह मैन शिट, दैट वाज क्लोज. ओके Pedro. ओके, अरे शिट, अरे वो नहीं लेता ना, तो मैंने कर देना था. ओके हियर वी गो. अरे यार हेडशॉट देना था. यहाँ पर स्टैट्स आ चुके हैं, पासिंग में मेरा प्लेयर ज़्यादा करता है. कांते मेरा प्लेयर है रे देवा. ओके, तो मैंने काफ़ी अच्छी डिफेंडिंग यहाँ पर उसका मैंने, ओ तेरी यहाँ पर कौन है, मोराटा है. इसकी रनिंग अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे डिफेंडर आ रहे हैं. ओ तेरी, इन्होंने ब्लॉक कर दिया रे देवा. ओके नीड टू वर्क मोर ऑन दिस. ओके, तो वन ऑन वन, सेम क्या बोल सकते हैं, सेम अभी तक हम हमारा पॉइंट्स है, तो ये काफ़ी जबरदस्त. मोराटा यार ग्रेट हो, इसी ने गोल किया ना, इसी ने हेड दिया था पहली बार. तो इसने एक और मारा था, उस टाइम मेरा क्या था कि मैंने कुछ ज़्यादा ही रेंज लगा दिया था, एकदम बाहर की तरफ चला गया था. तो ये हाफ टाइम भी रियल हाफ टाइम लग रहा है, लगता है एकदम टीवी में देख रहा हूँ दोस्त. मैं किसी के बुद्धू बना सकता, क्योंकि आजकल तो टीवी में भी ऐड आते हैं ये स्पोर्ट्स के. ओके, दैट वाज क्रेजी, मैं स्किप करने वाला हूँ. ओके, एडवांस एंड रिज्यूम द मैच, क्योंकि आई वांट टू प्ले मोर. ओके, मेरा गेम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदे हैं रे देवा. ओके, ऑब्वियसली नीड, मैं गया. इन्होंने ब्लॉक काफ़ी अच्छे करते हैं. ये पोगबा जो है ना, इतना अच्छा, मुझे लगता है कि पोगबा एक अच्छा डिफेंडर है. मे बी आई डोंट नो, मतलब क्रिटिसाइज शुरू हो गया रे देवा. ओके पकड़ रे भाई. ओके, हियर वी गो. ओह शिट, दैट वाज क्राइज़ी, दैट वाज कूल. ओके, अब हुआ ना क्लीन. एरन हज़ार्ड, यू कैन डू इट. मैंने वो दिया था, चिप शॉट दिया था रे देवा. शेट मैन, बंदों के पास, लुकाको के पास आ चुका है. क्या बात है रे भाई, मैं अभी तक सीरियस नहीं हूँ गेम के लिए, अभी तक नहीं हुआ. ओके काफ़ी मज़ेदार गेम चल रही है यहाँ पर सेमी प्रो में. वैसे मैं बता दूं कि फीफा के डेमो में आपको जर्नी मोड का थोड़ा सा डेमो ही मिला है. अगर आप चाहते हैं देखना तो प्लीज़ कमेंट कीजिए यार. फीफा 18 का जर्नी मोड मतलब डेमो का है, मतलब पूरा फुल नहीं है. ऑब्वियसली तो आप बोलेंगे यार फुल खरीदना, यार मैं बोलूँगा यार फीफा 19 में आना यार, सीज़न 3 देंगे जर्नी का. ओके, अगर मैं फीफा खरीदूंगा अभी तो मुझे लगता है एक ही वजह होगी, वो होगी मेरी जर्नी खेलना. जर्नी एक मैं काफ़ी दीवाना रहा हूँ जर्नी का ट्रेलर का. मैंने फीफा 17 की जर्नी खेली है, पर 18 की अभी तक नहीं खेली, क्योंकि मैंने अभी तक परचेज नहीं किया है. सो जैसे कि मैंने बताया, मैं फीफा का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, पर गेम का फ़ैन हूँ. मतलब मेन जो फुटबॉल है, देखा आप जैसे कुत्ते की तरह भाग के आ रहा है. कोई बात नहीं, हम कटाएंगे और एक देंगे ये. ओह शिट, दैट वाज अ ग्रेट क्रॉस, बट मिस हो गया रे देवा. अरे पकड़ रहे थे. ओह शिट. ओके, मज़ा आ रहा है रे भाई. ओके पकड़ इसे बॉल यार. ओह अरे बॉल आ भी जा. एकदम नज़दीकी नहीं था, तो चांस माले. तो अभी इनका सब्स्टिट्यूट हुआ है, मुझे भी करना चाहिए शायद. ओके, मैं भी करने वाला. तो फीफा टीम ने काफ़ी ज़बरदस्त एक चीज़ की है कि आपको वो रेकमेंड करते हैं कि आप इसके बजाय इसको ले सकते हैं, तो ये मुझे अच्छा लगा. तो हमारे यहाँ पर एक और सब्स्टिट्यूट होगा, मोसेस आएगा. जब मुझे फुटबॉल के बारे में नहीं पता था, मैं इसको देखता था, घड़ी टाइम को बता रहे देवा. तो मुझे पता था ये नंबर इसके बदले आएगा, रेड मतलब नंबर अंदर आएगा और वो वाला इसके बदले आएगा. ओके, मैं ये मैं समझा नहीं था तब, पर अब मैं समझ गया. ओके मज़ा आ रहा है फीफा नूब की तरह खेलने में. वैसे मैं फीफा नूब मुझे फील तो नहीं हो रही, क्योंकि मैंने एक गोल लिया दोस्त. अब मैं बता सकता हूँ कि सेमी प्रो में मैंने एक गोल लिया है. अब पता चलेगा कि यहाँ पर बहुत लोगों ने लिया है, कमेंट सेक्शन भरा होगा, अरे मैंने भी लिया दोस्त, कोई दैट्स नॉट अ बिग डील.
happy. Oh my main. Oh my main. That was close. Bahut close tha re Deva. Okay. I can do it, my main. Okay, so here we go. Position kiski hai? Chelsea ki 52% hai re Deva. Aur passing me. Oh shit. Okay, outer ball ho chuka hai re bhai. Okay, to mujhe ye acha laga ki mere passing mein kafi achhi, kya bolte hain, acha position hai, matlab passing achhi, performance achhi. Chelsea ne passing zabardast ki hai, yahan tak ki unhone kafi zabardast wo bhi ki hai, unki position bhi kafi unke saath rahi hai, to mujhe acha laga hai. So khelne wala to bhai ho na, unki kya bolta hu main, meri achhi rahi re Deva. Okay, without players I am nothing, man. I am fucking nothing. I am a piece of shit, but I can. Oh, main, headshot. Oh man, that was close. Oh shit, that was crazy. Maine kya kiya abhi, mujhe nahi pata. Okay, here we go. Are yaar, player aaja yaar. Oh shit, main haarne wala hu ye match. I literally feeling. Okay, main. Jab hum sochte hain tab hum haar jate hain. मैंने सोचा ही नहीं मैं हारूंगा. मैं तो सोच रहा जीतूंगा मैं. अभी जीतूंगा. वेट, अभी ये गोल लेके नहीं दिखाया ना, मेरा नाम आई थिंक भास्तिका मई रहेगा. तो ओके, हियर वी गो. एक क्रॉस खेलते हैं यहाँ पर. ओह मेन, दैट वाज क्राइज़ी. कैसे रोका, काफ़ी अच्छी गोल कीपिंग. और ये काफ़ी गंदा शॉट, मुझे उसकी गोल कीपिंग अच्छी लगी दोस्त. काफ़ी अच्छा रोका उसने. मैं इतनी बुरी तरह नहीं हारने वाला, अगर इनसे हारूंगा अभी तो ऑब्वियसली मैं इज्जतदार हार लेने वाला हूँ. ओके, अब थोड़ा क्रिटिकल होते जा रहा है. यहाँ पर स्टैमिना डाउन है दोस्त. हियर वी गो, तो हमारा मैच समाप्त हो चुका है. तो यहाँ पर ऑब्वियसली एक वे बनेगा कि हम क्या करने वाले हैं. बहुत सारे आपको वे पूछता, अगर आपने रियल फुटबॉल मैच आपने देखा, इसका पसीना. ओह मैन, दैट वाज इनसेन. मज़ा आ गया. ग्राफिक्स आर फ्रिकिंग ऑसम. तो यहाँ पर हमारे इक्वल स्कोर्स है, तो हम क्या इसको ड्रॉ की तरह लेंगे या हम क्या कर सकते हैं, एडवांस करते हैं हम. तो यहाँ पर आई थिंक मैं गोल्डन गोल के यहाँ पर जाना चाहूँगा, क्योंकि गोल्डन गोल मतलब होता है जिसका पहला गोल जाएगा वही होगा. ऑब्वियसली लोग फुटबॉल लवर सोच रहे, अरे एफ यू मेन, वी नो व्हाट इज गोल्डन गोल. ओके, हियर वी गो. तो गोल्डन गोल मैं फिर बता देता हूँ, फिर ही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि वो होता है जो जिसमें आपको पहला गोल लेना पड़ता है. अगर कोई भी टीम आपसे, जैसे कि अभी लेने वाली है पहला गोल. ओके, पहला गोल अगर कोई भी टीम ले लेती है तो वो जीतती है. इसमें भी ऑब्वियसली टाइम है, इसमें भी ऑब्वियसली हाफ है आपका. सो लेट्स सी, क्या मैं गोल्डन गोल लेके विजेता बन सकता हूँ रे भाई. ओके, ओह शिट मैन, व्हाट द व्हाट्स रॉन्ग विद हिम मैन. ओके 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 ओके, थोड़ा जंपिंग मास्टर करना है रे देवा. ओह शिट. अगर इन्होंने पहले ले लिया तो मेरा हो जाना है. इन्होंने ऑब्वियसली क्रॉस खेलने वाले. ओह शिट, दैट वाज इनसेन. मजा आ गया. मेरा गोलकीपर ही काफी जबरदस्त करता है रे भाई. ओके, हम देखते हैं हम यहाँ से हम कितना क्रॉस ले पाते हैं. मेरी यहाँ पर मेरा स्टैमिना पूरा डाउन है. ऑब्वियसली मैं ज़्यादा रन नहीं कर पाऊंगा, बट यहाँ पर क्रॉस ले सकता हूँ मैं. ओह, मैंने हाथ में दे दिया रे देवा. शिट. ओके, पेड्रो का यहाँ पर थोड़ा सा स्टैमिना है, बट ऑब्वियसली बहुत कम है. तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि स्टैमिना सबका कम मेरे देवा. ओके, बट वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू रॉक द स्टेज. या माय फ्रेंड. ओके, क्या कर सकते हैं, हम ड्रॉ भी कर सकते हैं. अगर हम ये भी नहीं जीत पाते तो ऑब्वियसली ड्रॉ वाला मेथड है, क्योंकि कभी इतिहास में हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता. ओके, यहाँ पर कुत्ते की तरह पीछे पड़े हुए लोग. ओह शिट. ओके, मैंने पास दे दिया. मैं गलती से किसी और को पास देने वाला था. ओह मेन, ऑडियंस पूरा पागल हो गया रे देवा. That was my freaking awesome. ये मज़ा आ गया. ये एक तरह से बेस्ट थिंग हुआ. एक न्यू बन के मैंने सेमी प्रो में अपने आप को जीत दिलाई. क्या बात, अब सोच रहे हो कि आप प्रोफेशनल भी क्यों नहीं दिलाए. ऑब्वियसली सेमी प्रो में दिलाए यार, आप अगर आप खुद ले रहे हो, आप इतना फीफा खेलते नहीं हो, और आपने ये आज गोल ले लिया और आप जीत गए. बिग राउंड ऑफ अप्लॉस मैन, राउंड ऑफ अप्लॉस, क्योंकि इतना अच्छा. तो मैं जीत गया हूँ फाइनली. तो हमारी टीम चेल्सी जीत चुकी है. तो ये मज़ा आया मुझे देखने में. Awesome, awesome. इसे बोलते हैं ऑसम स्टाइल जीतने का. मुझे मजा आ गया रे देवा फीफा 18 खेल के, क्योंकि मैं जीता हूँ इस बार. तो मैं ऑब्वियसली लुकिंग फॉरवर्ड टू परचेज दिस गेम, मे बी या मे बी नॉट. ओके, मैं कर रहा हूँ लुकिंग फॉरवर्ड. ओके, मैंने आई थिंक बोला लुकिंग फॉरवर्ड, मे बी मैं कर रहा हूँ. ओके, जो भी है कोई बात नहीं. सो ये रहा हमारा आज का वीडियो फीफा 18 का, चेल्सी वर्सेस.
क्या था, मैनचेस्टर यूनाइटेड, अरे देवा। सो अगर आपके वीडियो अच्छा लगा प्लीज स्मैश द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वी आर अस डायवर्जन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।